हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल डिजिटल मेडी लाइफ। मैं हूं एसके मासूद और आज बताने वाला हूं कुछ मुंह में जुड़ी बीमारियों के बारे में, जो कि गले में दर्द होना या गले के अंदर घाव वगैरह कुछ होना या खाने में बहुत ज़्यादा तकलीफ या खाने में बहुत ज़्यादा दर्द होना या मांसुरों पे सूजन या मांसुरों खराब होने की वजह से आपका मांसुरों निकलना, कुछ भी। चलिए वीडियो के बारे में पूरा बताते हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखना, पूरा देखोगी तो तब भी फुल अप इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और आप इस चैनल में नहीं है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना। चलिए चार मेडिसिन के बारे में बताने वाला हूँ गले में जुड़ी इन्फेक्शन में। चलिए पहला मेडिसिन है एटीएम टैबलेट, जो कि एक एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट है। इसका जो कंपोजिशन है एजिथ्रोमाइसिन, और इसका जो कंपनी है इंडिगो, बहुत ही बढ़िया कंपनी है। और इसका जो एमआरपी है 119, वन स्टीम में 5 टैबलेट आती है। ये है एक एंटीबायोटिक टैबलेट है, एंटीबैक्टीरियल को ख़त्म करने के लिए इस टैबलेट को यूज़ किया जाता है। एंटीबैक्टीरियल की वजह से जो जो बीमारियां होती है उसमें ये ठीक करती है। और दूसरे मेडिसिन के बारे में बताते हैं, ये एक पेन किलर टैबलेट है, जीरोडॉल एसपी। ये है एक इपका कंपनी ने इसको मैन्युफैक्चर करती है। इपका भी बहुत ही बढ़िया कंपनी है। वन स्टीम में 10 टैबलेट आती है। इसका जो एमआरपी है 180। इसका जो इंग्रेडिएंट्स है एसिक्लोपिनाक 100 mg, सिरापेक्टोडायस 15 mg और पैरासीटामोल 325 mg। ये एक पेन किलर टैबलेट है, दर्द को कमाती है या सूजन को कमाती है, जहाँ कहीं भी फूल जाती है वो इसको कम कर देती है। और दूसरे मेडिसिन के बारे में बताते हैं, ओमेज कैप्सूल। ओमेज रेड्डी कंपनी ने मैन्युफैक्चर करती है। वन स्टीम में 20 टैबलेट आती है। इसका जो एमआरपी है 61, और इसका जो इंग्रेडिएंट्स है ओमेप्राजल 20 mg। ये एसिडिटी और गैस निवारक दवा है। पेन किलर के साथ इस टैबलेट को यूज़ किया जाते है, क्योंकि पेन किलर खाने से किसी किसी आदमी को बहुत ज़्यादा गैस होती है, उसमें इस टैबलेट को यूज़ किया जाते है, इसलिए इस टैबलेट को यूज़ किया जाते है। और जो 4 नंबर दवा है वो है एक गार्गिल, बेटाडाइन गार्गिल। बेटाडाइन गार्गिल को जो बनाती है विन मेडिकेयर कंपनी ने, 50 ml में आता है। इसका जो एमआरपी है 153, और इसका जो इंग्रेडिएंट्स है पोविडीन आयोडीन 2%। इन चारों दवा को खरीद लेना। और इसको यूज़ करने की सही तरीका, यूज़ करने से पहले अपने फार्मासिस्ट या डॉक्टर के पूछ के ही यूज़ करना है। तो यूज़ करना है तो जो एजिथ्रोमाइसिन एटीएम टैबलेट है वो 5 ले लेना। एक पत्ते में 5 टैबलेट आती है, एक पत्ते ले लेना। और इसका यूज़ कैसे करें, एक टैबलेट को दोपहर को खाना खाने से पहले ले लेना, 5 दिन लगातार इसको लेना है। और जो जीरोडॉल एसपी है और ओमेज, ये 4 टैबलेट ले लेना। जीरोडॉल एसपी 4 ले लेना और ओमेज कैप्सूल को 4 ले लेना। दोनों टैबलेट को एक साथ सुबह और रात को खाना खाने से बाद लेना है, लगातार 2 दिन लेना है। और जो बेटाडाइन गार्गिल है उसको 5 ml वाटर के साथ 5 ml गार्गिल मिला के आपको गार्गिल करना चाहिए। हल्के गर्म वाटर के साथ इसको मिलावट करनी है, उसके बाद गार्गिल करना है। 2 टाइम करना है, दो सुबह को और रात को। ज़्यादा तकलीफ हुआ तो आप 3 बार भी कर सकते हैं।
ये चार दवा को इस तरह से यूज़ किया जाते हैं। अब आप समझ लिया होगा किस तरह से यूज़ करना चाहिए। तो प्रॉब्लम हुआ तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। तो इन चारों दवा के इस तरह से यूज़ करना है और आपका जो मुंह में जुड़ी तकलीफ वो पूरा क्लियर हो जाएगा। तो आप जानते हैं इसका साइड इफेक्ट है क्या नहीं, तो साइड इफेक्ट नहीं देखने को मिलता है। जो रियर साइड इफेक्ट देखने को मिलता है, एजिथ्रोमाइसिन खाने से उल्टी हो सकती है या वोमिटिंग हो सकती है या पेट में दर्द भी हो सकती है। तो टेंशन लेने के कोई बात नहीं है, वो रियर साइड इफेक्ट है। तो साइड इफेक्ट देखने को मिले तो आप तुरंत डॉक्टर से या पूछ लेना। तो यही है इस वीडियो का लास्ट एंड। तो आप इस वीडियो को पसंद हुआ तो एक लाइक कर देना और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर दिस वीडियो वॉचिंग डिजिटल मेडिलाइफ।